राहुल गांधी इनके विरोधी इन्हें प्यार से पप्पू कहते हैं। हालांकि ये उनका और उनके विरोधियों का अपना व्यक्तिगत मामला है, आपस में प्यार है उसमें हम लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन पंजाब में चुनाव का माहौल है, हर तरफ गर्मा गर्मी है। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के राजनीतिक पेड़ की एक मजबूत साख हैं और उनकी दिली चाह है कि वो भी एक बार जनता की सेवा के लिए पंजाब सरकार में एज अ चीफ मिनिस्टर कुछ अपने अमूल्य अतुलनीय कामों से योगदान प्रदान करें। बिल्कुल भाई, क्या कहने, वैसे कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया ना? नहीं। जैसे अभी यहां मैंने सिद्धू को लेके थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, कुछ इसी तरह राइजिंग पॉलिटिशियन, युवा, तेजस्वी, कर्मठ, ईमानदार नेता माननीय राहुल गांधी जी ने सिद्धू के सीएम बनने के सपने को चकनाचूर करने के बाद डैमेज कंट्रोल करने का एक बेहतरीन अंदाज पेश किया है। लेकिन मुझे ना उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है कि आखिर राहुल गांधी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं या सिद्धू को काटने की सुपारी दे रहे हैं। आप पहले वीडियो देख लो और फिर बताओ कि आपको क्या लगता है। और दिल में, खून में पंजाब है, सिद्धू जी के दिल में, खून में पंजाब है। अब काट के देखिए, कभी काट के देखिए, निकलेगा खून, निकलेगा पंजाब दिखाई देगा उसमें। ये वाला देखो, अब काट के देखिए, कभी काट के देखिए, निकलेगा सीरियसली। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कॉन्फिडेंस देखो बंदे की, मतलब इतना यकीन है कि आप काट के देखो निकलेगा, खून में पंजाब दिखेगा। भाई क्या कहने, सामने बैठे सिद्धू जी को देखो कितने भोले हैं। यहाँ इनको काटने की बात हो रही है और फिर भी रिएक्शन देखो। मुझे तो लगता है राहुल गांधी ने सिद्धू को ठिकाने लगाने का तरीका बताया है पंजाब दिखाने के बहाने। लेकिन फिर भी राहुल गांधी को अब कह ही देना चाहिए, मजाक था भाई मजाक। लेकिन कहेंगे नहीं, हाँ लेकिन ये कह सकते हैं, मजा आया, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आजकल न्यूज चैनल पर न्यूज को छोड़ के सब कुछ मिलने लगा है। कॉमेडी चाहिए गुल्लू को देखो, इमोशनल ड्रामा चाहिए तो इनको देखो, नफरत का तगड़ा डोज चाहिए तो इनके शो को देखो। 400 की गैस 900 की गैस के मुकाबले 400 वाली महंगी है और 900 वाली सस्ती। इस अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रोफेसर सुशांत सिन्हा की पाठशाला में एडमिशन ले लो। लेकिन अगर आप भक्ति देखना पसंद करते हो तो 24 घंटे जी न्यूज पर यही चलता है। लेकिन एक शो में देखा कि शो शुरू होते ही मुशायरा स्टार्ट हो गया। एंकर की लाइन पर पैनलिस्ट वाह वाह कर रहे थे तो पैनलिस्ट की लाइन पर एंकर, सबसे पहले वो तस्वीरें राहुल गांधी की, अजय वर्मा जी ये राहुल गांधी का हिंदू अवतार है या हिंदुत्व अवतार है, और इलेक्शन से पहले वाला अवतार है, कौन सा अवतार माना जाए इसे? सर्टिफिकेट बांटने का काम बीजेपी तो करती थी, अब और लोग भी करने लगे हैं। मतलब इस हिंदुस्तान में पूजा की अनुमति और पूजा पाठ और आरती करने की अनुमति भी अब सरकार से और किसी से लेनी पड़ेगी। वाह वाह वाह, ये है हिंदुस्तान का नया कानून। वाह 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 वाह, ये है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। जो कल तक हिंदू वर्सेस हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे थे उनसे तो कहना ही पड़ेगा वाह वाह। चुनाव की डेट नजदीक आई, चुनाव की डेट नजदीक आई और ये अवतार दिखाई दिया, ये रूप दिखाई दिया, तो उन्हें तो कहना ही पड़ेगा जैसे आपने कहा अभी। भाई क्या कहने, अदिति जी का अंदाजे बया तो देखिए, न्यूज का गला घोट कर उसे खत्म करने वाले कह रहे हैं। सत्ता की चापलूसी तो खूब करते हैं लेकिन फिर भी अमित भाई पता नहीं क्यों इनसे खुश नहीं है। भाई जेटीवी अब तुम तुम्हारी कमेंट्री बंद कर दो, बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ भैया, अरे बैठ जाओ, ऐसा कहता हूँ मैं, बैठ जाओ।
मजा आया। इस बात पे ना बहुत दुख हुआ और एक बात याद आ गई। एक कहानी खूब बताई जाती है कि एक बार हिटलर ने एक मुर्गी के एक एक करके सारे पंख नोच दिए और फिर उसे जमीन पर छोड़ दिया। उसके बाद उस मुर्गी के आगे हिटलर ने दाना डाला तो मुर्गी खाने के लिए आगे बढ़ी। हिटलर दाना डालता गया और मुर्गी हिटलर के पीछे पीछे दाना खाने के चक्कर में चल दी। हालांकि ये स्टोरी नेता और जनता के लिए है, लेकिन बदलते हालात को देखते हुए इसे मीडिया के लिए भी अब से इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल भाई, क्या कहने। तो मित्रों, आज की ये वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसी तरह की और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।